1953 की बात है, ओशो जब ध्यान कर रहे थे तो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, ध्यान में ही एक ऐसा प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हुआ कि उन्हें एनलाइटनमेंट का अनुभव हुआ उस समय। एक ऐसे गुरु जिनके इतने सारे फैंस हैं और जितने ही उनके फैंस हैं उतने उनके आलोचक भी हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं ओशो के बारे में, और इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ओशो को गलत समझा गया, ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग इतने महान दार्शनिक को गलत समझते हैं और मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमोहन जैन ओशो कैसे बने। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुशवाड़ा में एक बच्चा जन्म लेता है 11 दिसंबर 1931 को, और जिसके माता पिता जीवन लाल जैन और सरस्वती जैन हैं, और उस बच्चे का नाम चंद्रमोहन जैन होता है। चंद्रमोहन जैन एक बेहद इंटेलिजेंट बच्चे थे, और बचपन से ही उनकी जो प्रतिभा है वो किसी से छिपी नहीं थी। उनके परिवार में सभी लोग ये समझ पा रहे थे कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और बड़ा होके ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बड़ा होके चंद्रमोहन जैन एक बड़े गुरु बन जाएंगे, ओशो बन जाएंगे। उनका इंटरेस्ट बचपन से ही फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में था, और यही कारण है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई फिलॉसफी के साथ की। उन्होंने अपना बैचलर्स डिग्री भी फिलॉसफी से किया और मास्टर्स डिग्री भी फिलॉसफी से किया, सागर यूनिवर्सिटी से मध्य प्रदेश में। अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करने के बाद ओशो रायपुर के संस्कृत कॉलेज में एक प्रोफेसर बन के नियुक्त हुए। लेकिन उनकी पढ़ाने की शैली ऐसी थी और इतनी प्रोवोकेटिव थी उनकी पढ़ाने की शैली कि बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स उनसे खुश नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद आते थे क्योंकि उनका जो नेचर था वो बचपन से ही रिबेलियस था, और वो हमेशा ही समाज की जो रूढ़ियाँ हैं उनके खिलाफ बोलते थे। और इसी के कारण से जितने भी ऐसे लोग थे जो उन रूढ़ियों को मानते थे उनके भावनाओं को ठेस पहुँचती थी और वे लोग ओशो के खिलाफ हो जाते थे। 1953 की बात है, ओशो जब ध्यान कर रहे थे तो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, ध्यान में ही एक ऐसा प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हुआ कि उन्हें एनलाइटनमेंट का अनुभव हुआ उस समय, और इस घटना के बाद से ही उनका जीवन परिवर्तित हुआ और वो एक सन्यासी बन चुके थे। 1970 की बात है जब उनका नाम बदल के भगवान श्री रजनीश रख दिया गया, और तभी से वो अपने शिष्यों को सन्यास में दीक्षित करने लगे, और इसी के साथ उनके कम्यून की जर्नी शुरू हुई जो कि पुणे से शुरू हुई। उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम बनाया, और उस आश्रम में दुनिया भर से लोग आते थे उनके शिष्य बनने, और वहाँ पे ओशो लोगों को मेडिटेशन सिखाते थे और जीवन जीने का नया तरीका सिखाते थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ओशो को अमेरिका जाना पड़ा अपने आश्रम को बनाने के लिए। भारत में वो जिस प्रकार की मेडिटेशन कराते थे अपने आश्रम में वो शायद यहाँ की सरकार को मंजूर नहीं था, और सरकार ने उन्हें कहा कि ये वो यहाँ पे नहीं करने देंगे, और इसलिए उन्हें जाना पड़ा अमेरिका। और अमेरिका में जाके उन्होंने अपनी जो पूरी कम्यून है एक सिटी, वहाँ पे एक शहर बसा दिया जिसका नाम था रजनीशपुरम। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि ओशो के खिलाफ अमेरिका की गवर्नमेंट हो गई, ओशो के खिलाफ बहुत सारे देश हो गए, और कोई भी उन्हें अपने देश में रखने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से ओशो के खिलाफ ये समाज, ये सोसाइटी और ये गवर्नमेंट्स चली गई। सबसे पहली चीज़ जो ओशो के खिलाफ गई वो ये थी कि उनके आश्रम में अमेरिका में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से वहाँ की गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट चली गई। उनके साथ जो लोग थे जो उनके आश्रम को मैनेज कर रहे थे उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिसका खामियाजा ओशो को भुगतना पड़ा, जिसमें से कुछ इल्ज़ाम उन पर लगाए गए कि ओशो के आश्रम के लोगों ने इमिग्रेशन फ्रॉड किए, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों ने अमेरिका में बायो टेरर अटैक भी प्लान किए। हालांकि ओशो इस बात से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन उनके कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे काम किए जो कि गलत था। दूसरी चीज़ जिसके वजह से सभी ने ओशो को मिसअंडरस्टूड किया वो थी उनकी लैविश लाइफस्टाइल। वो एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे थे जहाँ पे वो बहुत ही महंगी गाड़ियों में घूमते थे, महंगी घड़ियाँ पहनते थे, महंगे कपड़े पहनते थे, और सभी लोग उनकी ये कह के आलोचना करते थे कि आखिर वो क्यों ऐसा करते थे। हालांकि इसका तर्क ओशो ने दिया है,
वो मटेरियल वर्ल्ड में रह के मटेरियल चीज़ों से दूर नहीं रहना चाहते थे, जबकि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग थे खुद। और कहीं ना कहीं उनका ये तर्क सही भी लगता है कि आखिर जब वो एक मटेरियल वर्ल्ड में है तो इसमें बुराई ही क्या है, वो किसी भी गाड़ी में घूमे या कैसे भी कपड़े पहने, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो लोगों को अजीब लगती थी उनके बारे में, वो थी उनकी डायनेमिक मेडिटेशन की प्रैक्टिस जो वो करवाते थे अपने आश्रम में। डायनेमिक मेडिटेशन एक ऐसे प्रकार का मेडिटेशन है जहाँ पे लोग बहुत ही फिजिकली एक्टिव होते थे और उस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद वो लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे। ऐसी प्रैक्टिस को डायनेमिक मेडिटेशन कहा गया था ओशो के आश्रम में। और इस मेडिटेशन की पद्धति से बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, जो लोग ऑर्थोडॉक्स मेडिटेशन करते हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी इससे। चौथी चीज़ जिसको लेके लोगों ने आपत्ति जताई थी वो ये थी कि उनके कम्यून में लोग बहुत ही फ्रीली रहते थे, मतलब कोई भी कैसे भी रहता था और उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, और फ्री लव का भी कॉन्सेप्ट उनके कम्यून में था, जिसके वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, आसपास के लोगों को, उस सिटी के आसपास जो भी रहते थे उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ओशो की जो थॉट प्रोसेस थी इसके पीछे वो ये थी कि वो चाहते थे कि लोगों की जो भी वासनाएं हैं वो उन वासनाओं से ऊपर आ जाए, और उन वासनाओं से ऊपर आने का एक ही तरीका था कि वो उन वासनाओं को भोग लें और उसके ऊपर आ जाए, या फिर वो उन वासनाओं के ऊपर मेडिटेट करे और उन्हें छोड़ दे। वासनाओं को दबा के कोई आज तक स्पिरिचुअल हो नहीं पाया है, ये ओशो बताना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, और यहाँ तक कि कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस फ्री लव वाले कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठाया। पांचवी बात जो उनके खिलाफ चली गई वो ये थी कि ओशो एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स के खिलाफ बहुत खुल के बोलते थे। जिन रिलीजन्स में उन्हें रूढ़ियाँ दिखती थी वो सारे रिलीजन्स के बारे में बहुत ही खुल के आलोचना करते थे, जिसके वजह से उन धर्मों के जो लोग थे वो लोग जो हाई पोजीशन पे थे उन्हें बहुत दिक्कत हुई, और वो सारे लोग ओशो के खिलाफ हो गए। वो समझ नहीं पाए कि ओशो किस मंशा से ये बातें कह रहे हैं, और ओशो की ये सारी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं उन्हें चुभती थी। छठी चीज़ जो ओशो के साथ हुई वो ये थी कि दुनिया भर की जो मीडिया थी, चाहे वो इंडिया की हो या यूएस की हो, सारी मीडिया वही चीज़ें कवर करती थी जो भी गलत हो रहा है वहाँ पे। तो कम्यून के अंदर जो भी गलत होता था मीडिया उसे कवर करता था, यानी कि नेगेटिव कवरेज होती थी, जिसके वजह से ओशो की जो इमेज है वो धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। हालाँकि ओशो खुद ऐसा कुछ गलती करते नहीं थे। इनफैक्ट जब उनके आश्रम में, उनके रजनीशपुरम जो सिटी है वहाँ पे जब कुछ भी गलत काम हो रहा था उस समय ओशो मौन हो गए थे, जिसका फ़ायदा उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने उठाया, फिर कुछ ऐसा काम किया जो कि उनके कम्युनिटी के खिलाफ चला गया और गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई। और एक चीज़ जो ओशो के खिलाफ गई वो थी उनकी कॉम्प्लेक्स टीचिंग्स। वो जिस प्रकार से अपने टीचिंग्स को देते थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, और वो बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपने बात को रखते थे, अपने तर्क को वो इस प्रकार से रखते थे कि जो भी लोग ओपन माइंडेड नहीं हैं उन्हें वो बातें चुभ जाती थी, और उनके इन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के वजह से लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और लोग उन्हें कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए। और आखिरी बात जो कि शायद सबसे बड़ी बात है उनके लिए, वो ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये इमेज बनी कि ओशो एक सेक्स गुरु है, क्योंकि उनके कम्यून में फ्री लव का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने एक किताब लिखी थी संभोग से समाधि की ओर। इस किताब में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, हालांकि वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी जो कि बताती थी कि कैसे इंसान सेक्स के द्वारा समाधि की ओर जा सकता है, यानी कि सेक्स को अगर हम दबाएँ तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होगा, हमें उस इमोशन को या उस अर्ज को दबा के हम कभी एक ब्रह्मचारी या एक स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं बन सकते, इसलिए हमें उस वासना के ऊपर आना होगा, उसे सॉल्व करना होगा उस प्रॉब्लम को, और ये सिर्फ उसे करके ही सॉल्व किया जा सकता है। जो भी हमारे वासना है उसे जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम नहीं आ जाएंगे, तब तक हम एक स्पिरिचुअल इंसान नहीं बन सकते। ये बात कम्युनिकेट करने के लिए ओशो ने ये किताब लिखी थी। बहुत सारे लोगों ने ये किताब पढ़ी भी नहीं, लेकिन वो उन्हें जज करने लगे। मैंने ये किताब पढ़ी और मुझे समझ में आता है कि किस प्रकार से ओशो ने इस किताब में सेक्स के बारे में हालांकि ज़्यादा बात भी नहीं की है,
उन्होंने ये बताया है कि समाज में ये किस प्रकार की रूढ़ी बनी हुई है जिसके वजह से लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और ये सारी बातें वहाँ पर डिस्कस की। मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहूँगा इस किताब के जो ओशो ने मेंशन की है, ताकि जिनके अंदर भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो थोड़ी बहुत क्लियर हो। सबसे पहली बात तो ओशो ने ये बताया है कि सेक्स और स्पिरिचुअलिटी के बीच में संबंध क्या है, किस प्रकार से ये लिंक्ड है। जब तक आप सेक्स में उलझे रहेंगे, जब तक आपका माइंड उस तरफ रहेगा, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ नहीं जा सकते अपने पूरे ऊर्जा के साथ। इसलिए आपको दिमाग वहाँ से हटाना होगा, और दिमाग हटेगा कैसे, जब तक आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर लेते, ये बताना चाहते थे वो। दूसरी बात जो वो इस किताब में कहना चाहते थे कि सेक्स के समय अगर आप माइंडफुल हो जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, और फिर आप ये समझ पाएंगे कि उस ऊर्जा का सही उपयोग स्पिरिचुअलिटी में कैसे करें। तो इस माइंडफुलनेस को वो बताना चाहते हैं। तीसरी बात वो इस किताब में ये बताना चाहते थे कि तंत्र और मेडिटेशन के बीच का रिलेशन, आखिर तंत्र से होता क्या है। तंत्र के बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को डीपली नहीं समझेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि तंत्र कैसे आध्यात्म की तरफ हमें ले जाता है, और इसमें सेक्स की क्या भूमिका है, ये बताना चाहते थे ओशो। ओशो इस किताब के द्वारा सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, जो रूढ़ियाँ हैं, उन सारे रूढ़ियों को भी तोड़ना चाहते थे, और यही कारण था कि उन्होंने ये किताब लिखी थी। वो चाहते थे कि सोसाइटी इंसान के दिमाग पर जो कंडीशनिंग करती है, उस कंडीशनिंग से इंसान उभर के आए और वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करे, वो खुद सोच सके, वो ये सारी चीज़ें ना सोचे जो सोसाइटी उसे बता देती है सोचने के लिए। एक इंडिविजुअल की तरह सोचे, ना कि एक भेड़ों की समूह की तरह। इस किताब के द्वारा ओशो ये भी बताना चाहते थे सबको कि आप सभी लोग अपने ईगो को किस प्रकार से छोड़ सकते हैं, अपने ईगो के ऊपर किस प्रकार से आ सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में कैसे हमें अपने ईगो से डील करना चाहिए। बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी इसमें बताया है कि वो करके आप कैसे अपने ईगो को कम कर सकते हैं और स्पिरिचुअल रास्ते पे किस प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी सीख थी वो ये थी कि ओशो प्रेम के बारे में समझाना चाहते थे, प्रेम के कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि प्रेम होता क्या है। प्रेम वो नहीं है जो एक लड़का एक लड़की से करता है। प्रेम के दायरे से कोई भी चीज़ बचता नहीं है। जब आपके मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, तो फिर आप हर चीज़ को प्रेम करते हैं, आप हर लिविंग बीइंग को प्रेम करते हैं, आप इस नेचर को प्रेम करते हैं। जब आप प्यार के नेचर को समझ पाते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि प्यार सिर्फ देना जानता है और वो लेना नहीं जानता। प्यार में आप किसी से अपेक्षा नहीं रखते किसी चीज़ की, और आपके मन में बस यही होता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे कितना मैं दे पाऊँ। आपकी जो उदारता है वो बढ़ जाती है प्रेम की वजह से। प्रेम के बारे में कृष्णमूर्ति ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और कृष्णमूर्ति और ओशो बिल्कुल एक ही बात कहते हैं प्रेम के बारे में। अगर आप कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ेंगे, फ्रीडम फ्रॉम द नोन और बाकी सारी किताबें, तो आपको समझ में आएंगी। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ओशो को मिसअंडरस्टैंड करने से कम आप इस किताब को उठा के पढ़ें, संभोग से समाधि की ओर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओशो क्या कहना चाहते थे। उनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे रेबिलियन है, मेडिटेशन है, वो सारी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस प्रकार के गुरु थे। ओशो जब डायनेमिक मेडिटेशन कराते थे, तो वो डायनेमिक मेडिटेशन में सबसे पहले कथारसिस का प्रोसेस कराते थे, और कथारसिस के प्रोसेस को अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं तो रहूंगा, मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं, और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं।